गाइस यार नॉर्मल लोग ब्रेड सेकते होंगे तवे पे या फिर टोस्टर में, लेकिन हम कुछ अलग करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं। तो गाइस हम ब्रेड सेकने वाले हैं इस हमारी बाइक के इंजन से। इधर देखिए ये बाइक के इंजन से, तो आपको पता होगा गाड़ी चलती है तो इंजन कितना गर्म हो जाता है, तो गाइस उसी का ही प्रयोग करके आज हम ब्रेड सेकने वाले हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो कर दीजिए पहले से लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऐसी एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देखने के लिए। तो चलो गाइस मैं बताता हूँ आपको हम सिंपली करने क्या वाले हैं। इधर आइए, हम इस ब्रेड के इन दो ब्रेड को लेंगे, कोई सी भी यहाँ से दो ब्रेड को निकाल लेंगे। तो देखो दो ब्रेड को निकाल लेंगे, एल्युमिनियम फॉइल पेपर, हाँ एल्युमिनियम फॉइल पेपर इस पर लपेटेंगे और इसे यहाँ पर रख देंगे। ये देखो इधर इसे ना एल्युमिनियम फॉइल पेपर पर ऐसे लपेट के यहाँ पर रख देंगे और इसे बांध देंगे हम एक उसकी सहायता से, एक तार की सहायता से इसे बांध देंगे और देखते हैं कि क्या ये सीख पाती है या फिर नहीं। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। हमारे खून में तो देसी घी है, आप ऐसा घर पर करने की कोशिश ना करें। तो गाइस यार ये है हमारे पास एल्युमिनियम फॉइल पेपर जिससे हम रोटियां लपेटते हैं और ये है ब्रेड। तो इसको है ना, इसमें ना इसको फोल्ड कर लेते हैं पहले आसानी से। ये देखो इसको ले लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से इसे ऐसे फाड़ लेते हैं, इसे साइड लेते हैं और अब इसे इसमें लपेट लेते हैं इस तरीके से लपेट, बस एक बार लपेट लेते हैं और साइडों में से भी रैप कर देते हैं, इसे फाड़ के साइड में फेंक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे लपेट लिया। तो गाइस ये देखिए हमने ना इसे लपेट लिया है, इन दो ब्रेडों को ऐसे जैसे सैंडविच बनती है ना उसी तरीके से लपेट लिया है। और अब हम इस तार की सहायता से, ये देखो मैंने तार लिया है, मैं इधर आइए, इस तार की सहायता से इसे यहाँ पर बांध देते हैं इस जगह ठीक है। तो इस तार को मैं खोलता हूँ, तो गाइस यार फाइनली हमने इसे बांध दिया है। ये देखिए इन तारों को नीचे से लपेट कर ये अच्छी तरह से हमने इसे यहाँ पर बांध दिया है ताकि ये ब्रेकरों में भी गिरे ना। तो गाइस अब है ना हमारी गाड़ी को लगभग 5 किलोमीटर चला के देखते हैं कि ये कैसी, मतलब हम गाड़ी को 5 किलोमीटर चलाएंगे तो इंजन गर्म हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। अब तो है इंजन गर्म लेकिन कम है, और इंजन गर्म हो जाएगा 5 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर, और फिर ये गर्म इंजन के साथ ये सीख पाती है या फिर नहीं देखना होगा। बहुत ही भयानक यार, गजब हो गई ये एक्सपेरिमेंट। तो गाड़ी तो गाइज गाइज वीडियो को ना लाइक कर दीजिए यार और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो चलते हैं, तो गाइज चलते हैं। यार लगभग हम 3 किलोमीटर दूर चलकर हमारी बाइक से आ चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं ये फॉइल पेपर गर्म हुआ है या फिर नहीं। तो गाइस इसे है ना अब हाथ लगा के देखते हैं गर्म हुआ है या फिर नहीं। यार
गाइज इंजन तो बहुत गर्म है लेकिन जो फॉइल पेपर है ना वो गर्म नहीं हुआ है यार। तो गाइज थोड़ी दूर और चलते हैं, फिर थोड़ी सी दूर मतलब कि मान लो आप 5 किलोमीटर दूर और चलते हैं, फिर वहाँ पर गर्म नहीं हुआ ना ये, तो हम डायरेक्ट इसे यहाँ पर बांध देंगे। यहाँ जो शुरुआत होती है ना साइलेंसर की, वहाँ पर ही बांध देंगे क्योंकि ये हिस्सा ना गर्म बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत तेज़ होता है, तो इसे यहीं बांध देंगे। तो गाइज चलते हैं और 5 किलोमीटर दूर। तो गाइस यार हम है ना 10 से 12 किलोमीटर चल चुके हैं और अब देखते हैं हमारी ब्रेड सिकी है या फिर नहीं। आइए इसको ना खोल लेते हैं, इस तार को जो बांधा है ना हमने इसको हम खोल लेते हैं। ये ब्रेड हमारी ये रही, तो आप तैयार हो? तो गाइस ये ब्रेड को ये रैपर को खोलूंगा, उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार ऐसी वीडियो बनाने में, मतलब पेट्रोल जल गया इतना का यार। तो इसे हम खोलते हैं। भाई साहब ये देखो आपको ना मतलब ब्राउन ब्राउन नहीं लग रहा होगा लेकिन ये सिक गई है, ये देखिए। देखो इसका तो कुछ नहीं, ये तो ऐसी है नरम, बिल्कुल नरम है, ठीक है इसको तो साइड में उठाओ, लेकिन जो ये नीचे जो इंजन की अड़ रही थी ना नीचे वाली, ये देखो बिल्कुल कड़क, सही है ना, बिल्कुल कड़क हो गई। ये देखो मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, ये देखो, वाह यार आप ना फर्क देख लो, ये देखो ये कितनी नरम है ना, ये नरम देखो ऊपर वाली कितनी नरम है, ठीक है, और ये वाली देखो कितनी कड़क है, देखो कितनी कड़क हो गई, वाह यार गजब हो गई यार। इसको साइड में रख देते हैं, किसी कुत्ते को दे देंगे। तो गाइस यार वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दी लाइक और चैनल कर दी सब्सक्राइब, तो मिलते हैं आपको ना किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, आपके लिए धन्यवाद, राम राम।